हेलो, नमस्कार, नमस्ते। तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से क्यू स्टडी के ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। तो कैसे हो आप सभी लोग? आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे। तो मेरा नाम है ऋतिक और आज फिर से मैं आप सभी के लिए एक नई वीडियो लेकर आ गया हूँ। पिछले कल हमने डिस्कस करा था कि फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर के जो भी MCQ हैं वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो हमने वो वाला टॉपिक कंप्लीट कर लिया था। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है सॉफ्टवेयर ऑफ कंप्यूटर। मतलब हम इस टॉपिक में जो है कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके MCQs डिस्कस करेंगे और उनको हम समझेंगे। ठीक है, तो ये सेशन जो है आप वो है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है। तो जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है वो बोल रहा है, डैश रेफर्स टू द रिन्यूइंग और चेंजिंग कंपोनेंट्स लाइक इंक्रीजिंग द मेन मेमोरी और हार्ड डिस्क कैपेसिटीज और एडिंग स्पीकर्स और मॉडम्स एट्सेट्रा। मतलब कि इसके बोलने का मतलब है कि किसी भी चीज़ को रिन्यू कर रहे हैं हम। रिन्यू मतलब उसको चेंज कर रहे हैं, उसमें कंपोनेंट्स ऐड कर रहे हैं, हार्ड डिस्क ऐड कर रहे हैं, मेमोरी ऐड कर रहे हैं, स्पीकर्स ऐड कर रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे कंप्यूटर की लैंग्वेज में? उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं अपग्रेड। किसी भी चीज़ को रिन्यू करना कंप्यूटर की लैंग्वेज में कहलाता है अपग्रेड। तो इसको जो सही आंसर है वो होगा अपग्रेड, ऑप्शन नंबर ए। आपका ग्रेड्स भी नहीं होगा, ग्रेड्स को अलग बात आ जाती है, सिंथेसिस भी नहीं होगा और प्रोसीडाई भी नहीं होगा। ठीक है, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द टर्म यूज टू डिस्क्राइब द इंस्ट्रक्शंस दैट टेल्स द कंप्यूटर वट टू डू इज नोन एज। बोलता है कि कौन सी टर्म ऐसी है जो कंप्यूटर की इंस्ट्रक्शन, जो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देता है कि कंप्यूटर को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो वो क्या है? आपका इनपुट आउटपुट है वो, या आपका कंपाइलेशन है, या फिर आपका सॉफ्टवेयर है, या फिर इनमें से कुछ भी नहीं है। तो जो आपका इसका सही आंसर होगा वो होगा सॉफ्टवेयर। बेसिकली सॉफ्टवेयर क्या है? एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है। मतलब एक कोड करके, इंस्ट्रक्शन को कोड करके एक आपका कंप्लीट पैकेज बनाया गया है जो कि कंप्यूटर को कमांड करता है कि कंप्यूटर को क्या करना है और क्या नहीं करना है। एग्जांपल ले लेते हैं विंडोज़ का। विंडो क्या है? एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है या फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? ये मेरे को आप कमेंट में बताओगे कि विंडोज़ है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर है या फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो जो विंडोज़ है ना वो कंप्यूटर को क्या करती हैं? वो कंप्यूटर को कमांड करती हैं कि कंप्यूटर को करना क्या है, किस टाइम पे कंप्यूटर को ऑफ करना है, किस टाइम पे कंप्यूटर को ऑन करना है, क्या कंप्यूटर को परफॉर्म करना है। तो वो सारा जो है वो विंडोज़ का काम है। ठीक है, तो विंडो क्या है? एक सॉफ्टवेयर है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ डिस्प्ले लिस्टिंग ऑफ प्रोग्राम ऑप्शंस विच यूजर कैन सेलेक्ट इज कॉल्ड अ डिस्प्ले लिस्टिंग ऑफ प्रोग्राम्स ऑप्शन विच यूजर कैन सेलेक्ट। मतलब कि ना एक ऐसा डिस्प्ले जिसके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है वो डायरेक्टली बात कर रहा है आपकी सॉफ्टवेयर की, कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसके डिस्प्ले पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं और उन ऑप्शन को यूज़र सेलेक्ट कर सकता है। ऐसे ऑप्शन होंगे जिनको यूज़र सेलेक्ट कर सकते हैं, तो वो ऑप्शंस क्या कहलाते हैं? आइकन्स कहलाते हैं, ऑप्शंस कहलाते हैं, सिलेक्शन कहलाते हैं, या फिर वो मेन्यू कहलाते हैं। तो एक ऐसा डिस्प्ले जो सारे ऑप्शंस को कंटेन करता है उसको क्या बोलते हैं हम? उसको हम मेन्यू बोलते हैं। ठीक है, आइकन तो एक सिंगल ऑप्शन हो गया ना, एक सिंगल बटन हो गया एक आइकन तो आपका। ठीक है, तो आपका जो सही आंसर है वो है मेन्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एनी सॉफ्टवेयर पैकेज विच ऑफ द फॉलोइंग वर्जन रिप्रेजेंट अ मेजर इंप्रूवमेंट ऑन द अर्लियर वर्जन। बोल रहा है कि इन एनी सॉफ्टवेयर पैकेज, किसी भी सॉफ्टवेयर पैकेज में अगर आपका कोई सॉफ्टवेयर है, ठीक है, तो उसका कौन सा मतलब वर्जन है वो बता रहा है कि ये सॉफ्टवेयर दूसरे सॉफ्टवेयर से नया है। आपने देखा होगा कि आप कोई आपका सॉफ्टवेयर है, मान लो कि आपका कोई XYZ कोई सॉफ्टवेयर है, ठीक है, आप उसको इंटरनेट से डाउनलोड करते हो, आप उसको गूगल से डाउनलोड करते हो, उसकी एंड्रॉयड वाले APK फाइल डाउनलोड करेंगे, iOS वाले iOS फाइल डाउनलोड करेंगे। तो जो सॉफ्टवेयर है हमें कैसे पता चलता है कि ये पुराने सॉफ्टवेयर का नया वर्जन है? मान लो XYZ सॉफ्टवेयर जो था उसके साथ 1.0 लगा हुआ था, ठीक है,
तो वो सॉफ्टवेयर का पुराना वर्जन था, अब हमें अपग्रेड आई है कि आप अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट कर लो, या फिर आपके फ़ोन में कभी कभार अपडेट्स आती हैं कि आपके फ़ोन में जो वो अपडेट आ गया आप अपने फ़ोन को अपडेट कर लो। तो आपको जो पुराना वर्जन था मान लो वो 2.3 था या जितना भी था, तो जो आप अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट करेंगे तो आपका वहाँ पे सॉफ्टवेयर लिखा आएगा इतना, मतलब डैश 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 ये वर्ज़न आपका सॉफ्टवेयर का अपडेट हो गया है। तो इनमें से ऑप्शन में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो बता रहा है कि ये पुराने सॉफ्टवेयर का न्यू वर्जन है। अब इसमें हमने आपने कंफ्यूज नहीं होना है, इसमें आपको कुछ भी दे सकता है वो 1.1, 2.1, 2.4, मतलब कोई भी नंबर एनी नंबर दे सकता है आपको। लेकिन आपने ये देखना है कि जो नंबर 0 और 1 के, मतलब जो नंबर 0 और 1 से स्टार्ट हो रहा है ना, ठीक है, तो उनमें से जो नंबर आपका 0 से स्टार्ट होगा, मान लो आपके पास पुराना सॉफ्टवेयर था xyz.1.0, ठीक है, ये आपके पास पुराना सॉफ्टवेयर था, आपका नया सॉफ्टवेयर जो उसकी अपडेट क्या होगी, आपके पास 2.0 होगी ना, 2.1 थोड़ी ना होगी सीधी, तो 2.0 होगी ना। तो इसमें से सबसे पुराना सॉफ्टवेयर कौन सा लग रहा है आपको, मतलब मान लो ये सॉफ्टवेयर के वर्जन है, इसमें सबसे पुराना कौन सा लग रहा है आपको, 1.1 लग रहा है आपको, ठीक है, 1.5 को तो कोई वर्जन नहीं होता है, 2.5 भी कोई वर्जन नहीं होगा, तो जो आपका 1.1 है, 1.2, 1.1 के बाद आपका आएगा 2.0, ठीक है, तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा आपका 2.0। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर कांट बी कैटेगराइज्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, मतलब इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर जो है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। DBMS, सॉरी ऑप्शन ए जो होगा वो DBMS होगा, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ऑप्शन बी जो है वो आपका होगा MS-DOS, MS-DOS के फुल फॉर्म होती है माइक्रोसॉफ्ट डिस ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है ये, ठीक है, जो कि विंडोज़ के पहले यूज़ हुआ करता था एज अ ऑपरेटिंग सिस्टम आपके कंप्यूटर्स में, जो आपके स्टार्टिंग के जनरेशन के कंप्यूटर्स से उनमें डोस यूज़ हुआ करती थी, उसको हम बोलते हैं डिस ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, ये विंडोज़ का ही पैक है, ये विंडोज़ का ही वर्जन है, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट का ही। तो आपका ऑप्शन सी है स्प्रेडशीट, ऑप्शन डी है वर्ड प्रोसेसिंग। अब आपको पता है वर्ड प्रोसेसिंग और स्प्रेडशीट ये सब किसके पार्ट्स हैं, ये माइक्रोसॉफ्ट के पार्ट है, एमएस ऑफिस के पार्ट है। आपने मेरे को ये बताना है कि DBMS डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो एक सॉफ्टवेयर, मतलब वो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है या फिर सिस्टम सॉफ्टवेयर है। बहुत सारे बच्चे इसमें कन्फ्यूज़ होते हैं कि DBMS जो है वो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है या फिर सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो मैं आपको ये बता दूं, जो DBMS है ना वो आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, वो आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है। क्योंकि आपको पता है सिस्टम सॉफ्टवेयर वो होते हैं, आपने बस इतना याद रख लेना, कभी भी आपको कोई भी क्वेश्चन पूछ ले, आपको इंटरव्यू में क्वेश्चन कोई पूछ ले, मान लो आप RRBPO का, IBPS PO का, IBPS क्लर्क का इंटरव्यू देने जा रहे हो, किसी भी चीज़ का इंटरव्यू देने जा रहे हो, उसमें आपसे कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा है वो, और आपसे वो पूछ ले कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर में अंतर बताओ हमें, तो आप सीधा सीधा बोल देना कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो होते हैं, वो सॉफ्टवेयर होते हैं ना जो सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर रन होते हैं, ठीक है, और जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है ना वो आपका क्या होता है, एक इंटरफेस होता है यूज़र और मशीन के बीच में इंटरेक्ट करने का, जिसके बिना जो है वो यूज़र मशीन से इंटरेक्ट नहीं कर सकता, ठीक है। तो जो विंडोज़ है, ठीक है, जो जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम है आपके, वो सारे क्या हैं, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं आपके, और जो आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं जो आप अंदर आ गए, आपके आपका माई कंप्यूटर, आपका नेटवर्क, मतलब जितने भी आइकन्स अंदर बने होते हैं वो सारे क्या हैं, एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ये जितने भी ये क्या हैं, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, ठीक है, छोटा सा डिफरेंस याद रख लेना बस ये। तो जो आपका इसका आंसर होगा वो इनमें से कौन सा जो होगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, तो जो इनमें से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, बाकी सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, सिर्फ MS-DOS जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोसेस दैट इज यूज टू कन्वर्ट अ सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शंस और प्रोग्राम्स रिटन इन अ हाई लेवल लैंग्वेज इनटू इंस्ट्रक्शंस दैट कैन बी रन ऑन अ कंप्यूटर। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है ना आपका, ये आपका क्वेश्चन है प्रोग्रामिंग से, ठीक है। तो जो बच्चे जिन्होंने BCA करी हुई है, जो प्रोग्रामिंग सीखते हैं, जिनका प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट है, तो उनको पता होगा कि हाई लेवल लैंग्वेज की होती है और लो लेवल लैंग्वेज की होती है, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि उस प्रोसेस का नाम बताओ जो सीधा प्रोग्राम को कन्वर्ट करती है हाई लेवल लैंग्वेज में अपनी इंस्ट्रक्शन के थ्रू, ठीक है। तो जो उस प्रोसेस का नाम है ना, उस प्रोसेस का नाम है कंपाइलिंग।
याद रख लेना, जब भी आपको प्रोग्रामिंग से क्वेश्चन आए ना, उसमें सीधा एक कंपाइल वर्ड याद रखना, कंपाइल, असेंबल नहीं होगा, ट्रांसलेट नहीं होगा, अपलोड नहीं होगा, सीधा एक कंपाइल वर्ड याद रख लेना, रन और कंपाइल, ये दो वर्ड जो है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, एक रन और एक कंपाइल। रन का मतलब होता है उस प्रोग्राम को, उस कोड को रन करना, और हाँ एक तीसरा वर्ड एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट का मतलब होता है उस पूरे प्रोग्राम को, जितने जो भी आपने कोडिंग करी है, जो आपने एल्गोरिदम लिखी है, आपने जावा में लिखी है, आपने सी में लिखी है, आपने किसी भी लैंग्वेज में लिखी है, एग्जीक्यूट का मतलब है उसको उसको कंबाइन करना, उसको एक पूरे एक उसकी एक कंप्लीट एक फॉर्म तैयार करना। रन करना मतलब जो आपने एग्जीक्यूशन करी, जो आपने एक फॉर्म तैयार करी उसको रन किया आपने, ठीक है, और कंपाइल मतलब उसको इकट्ठा किया, उसको जोड़ा, आपने एक एक स्टेप को जोड़ा, उसको बोलते हैं कंपाइल करना। तो सीधा याद रखना, जब भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से हाई लेवल लैंग्वेज, जब आपको लैंग्वेज वर्ड दिख गया तो उसमें से आपने ढूंढने लग जाना है कहाँ पे हमें कंपाइल, रन या फिर एग्जीक्यूट वर्ड दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा कंपाइलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एन एरर इन अ कंप्यूटर प्रोग्राम इज कॉल्ड एज डैश। किसी भी कंप्यूटर प्रोग्राम में, किसी भी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में अगर कोई एरर आती है, मान लो आपके पास एक सॉफ्टवेयर है व्हाट्सएप, या आपके पास एक सॉफ्टवेयर है प्ले स्टोर, कोई भी सॉफ्टवेयर है एक्स वाई जेड, आपने देखा होगा कभी कभार आपके फ़ोन में लिखा आता है द सॉफ्टवेयर इजंट रिस्पॉन्डिंग, या फिर उसको आप वेट करो, या फिर आप स्टॉप कर दो, या आप मेन मेन्यू में वापस चले जाओ। तो जो वो एरर आई ना, वो सॉफ्टवेयर रिस्पोंड नहीं कर रहा है, उसको हम बोलेंगे बग। बग का मतलब होता है एरर, बग का दूसरा नाम क्या है, एरर, और एरर का दूसरा नाम है बग, ठीक है। तो जो सही आंसर होगा एरर का वो होगा बग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंपनीज यूज विच ऑफ द फॉलोइंग वेंडर्स टू प्रोवाइड एक्सेस टू द सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज रेदर देन परचेजिंग द एप्लीकेशन एंड मेंटेन द एप्लीकेशन देमसेल्व्स। बोलता है कि कंपनीज मतलब अपने वेंडर को ऐसी क्या चीज़ प्रोवाइड करती हैं कि उनको सॉफ्टवेयर खरीदना भी ना पड़े और वो सॉफ्टवेयर पे काम भी कर सकें। मान लो एक आईटी कंपनी है, ठीक है, वो किसी और कंपनी के सॉफ्टवेयर पर काम कर रही है, ठीक है, तो जो दूसरी जिस सॉफ्टवेयर कंपनी के जिस सॉफ्टवेयर पर वो काम कर रही है, उसने क्या ले रखा है, उससे एक्सेस ले रखा है, उसका अपना सॉफ्टवेयर नहीं है उस कंपनी का, लेकिन उसने उस दूसरी कंपनी के सॉफ्टवेयर का एक्सेस ले रखा है ताकि वो अपने काम को उससे निपटा सके। मतलब जब उसका काम चल रहा है तो उसको क्या ज़रूरत है सॉफ्टवेयर बाय करने की, ठीक है। तो जो आईटी फील्ड वाले बच्चे हैं ना, उनको अच्छे से समझ आ रहा होगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, लेकिन सिर्फ आप इतना से याद रख लेना, जब भी आपको वेंडर से रिलेटेड या आपको कंपनी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए ना, तो आपने सीधा याद रख लेना, कंपनी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आपको बस इतना याद रखना है, एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर, जो आपकी दूसरी कंपनी है जिसका सॉफ्टवेयर आप, मतलब ए कंपनी और बी कंपनी, दो कंपनियां होगी, ए कंपनी जो है ना वो बी कंपनी का सॉफ्टवेयर यूज़ करती है, तो जो बी कंपनी है ना उसको हम बोलेंगे एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर, क्योंकि उसने अपनी एप्लीकेशन को ए कंपनी को दे रखा है ताकि ए कंपनी जो वो अपना काम चला सके, ठीक है। तो जब कंपनीज का क्वेश्चन आएगा तो आपने सीधा याद रखना है एप्लीकेशन ASP, एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर, इसकी फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं, ASP की फुल फॉर्म बताओ। मान लो आपको क्वेश्चन दे दिया इन व्हाट डज ए स्टैंड फॉर इन ASP, तो आपको पता होना चाहिए या S स्टैंड फॉर या P स्टैंड फॉर इन ASP, ठीक है। तो जिसको जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द कंप्यूटर फाइल्स। मतलब जो कंप्यूटर फाइल्स होती हैं आपकी, आपको पता है फाइल्स क्या होती हैं, सेट ऑफ रिकॉर्ड्स, ठीक है। तो जो मतलब जो आपकी फाइल्स हैं वो कंप्यूटर फाइल्स हैं, उनके रिगार्डिंग इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो सही नहीं है। आपका ऑप्शन नंबर ए है, दे आर द कलेक्शन ऑफ डेटा सेव टू स्टोरेज मीडियम। मतलब ये डेटा का कलेक्शन है, फाइल जो है वो क्या है, डेटा का कलेक्शन है। हाँ ये तो बिल्कुल सही है, फाइल क्या है, डेटा का कलेक्शन ही है फाइल। एवरी फाइल हैज़ अ फाइल नेम, ये भी बिल्कुल सही है, हर फाइल का फाइल नेम होता है, चाहे वो आपको कुछ भी दे दो उसको, एक्स वाई जेड ABC CDF कुछ भी दे दो उसका। ऑप्शन नंबर सी है आपका, अ फाइल एक्सटेंशन इज इस्टेब्लिश्ड बाय द यूज़र टू इंडिकेट द डेट इट वॉज क्रिएटेड।
मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया था कि फाइल एक्सटेंशन की होती है, हम किसी भी फाइल को सेव करने के लिए एक उसका पर्टिकुलर वर्ड यूज़ करते हैं, उसको हम बोलते हैं एक्सटेंशन। और वो एक्सटेंशन जो वो केस सेंसिटिव होती है, आप एक फाइल की एक्सटेंशन को दूसरी फाइल के एक्सटेंशन में यूज़ नहीं कर सकते। मान लो आपने MS Word की एक्सटेंशन है, MS Word की एक्सटेंशन क्या है, .abc या फिर .pdf, PDF के एक्सटेंशन को आप जो है वो JPG में सेव नहीं कर सकते। अब मान लो आपको PDF को JPG में कन्वर्ट करना है, तो आपको वहाँ पे एक्सटेंशन यूज़ करनी पड़ेगी .jpg, ना कि आप यूज़ करोगे .pdf। तो बोल रहा है कि जो एक्सटेंशन है ना वो फाइल का डेट बताती है, तो क्या डेट बताती है वो, तो नहीं, वो डेट नहीं बताती है, वो फाइल का नाम बताती है या फिर फाइल को इंडिकेट करती है कि किस वर्ड की फाइल है या किस सॉफ्टवेयर की फाइल है, वो MS Word की फाइल है, वो PDF फाइल है, वो JPG फाइल है, कौन सी फाइल है वो। जो ऑप्शन सी है वो रॉन्ग है इसमें, ठीक है। ऑप्शन डी क्या बोल रहा है, यूजुअली फाइल कंटेन्स डाटा, हाँ डाटा तो कंटेन करेगी फाइल। आंसर जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ऑपरेशंस आर यूज्ड टू कंट्रोल ऑफ इंफॉर्मेशन दैट कैन एक्सेप्ट डेटा, प्रोसेस द डेटा, प्रोड्यूस आउटपुट और स्टोर द रिजल्ट्स फॉर फ्यूचर यूज। बोल रहा है कि एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो कि डेटा को प्रोसेस करता है, डेटा को एक्सेप्ट करता है और हमें आउटपुट देता है फ्यूचर यूज़ के लिए, ताकि हम अपने रिजल्ट्स को जो है वो बाद में भी देख सकें। तो वो क्या है, आपका इनपुट है, सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है या फिर कंप्यूटर है। अब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की बात होगी, आई थिंक सबको पता होगा कि इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सॉफ्टवेयर आपका डिवाइस है, सॉफ्टवेयर तो एक एप्लीकेशन है, हार्डवेयर हार्डवेयर मतलब कंप्यूटर, ठीक है। तो आपका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोल रहा है, अ मिस्टेक इन एन एल्गोरिदम दैट कॉज इनकरेक्ट रिजल्ट्स इज कॉल्ड एज। अब ये भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से क्वेश्चन आ गया ना। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं सॉफ्टवेयर वाले पोर्शन में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों पढ़ा रहा हूँ आपको, क्योंकि जो आपका सॉफ्टवेयर है ना उसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि सॉफ्टवेयर बिना प्रोग्रामिंग के तो आपका बनता ही नहीं है। और सॉफ्टवेयर के क्वेश्चन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आते हैं और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के क्वेश्चन जो होंगे सॉफ्टवेयर में आते हैं, ठीक है। तो आप ये टेंशन मत लो, आपको हर टॉपिक कवर करवाया जाएगा। तो बोलता कि किसी भी एल्गोरिदम में मिस्टेक को करेक्ट करने के लिए, सॉरी जो किसी भी एल्गोरिदम की मिस्टेक है, ठीक है, तो उसका उसको हम क्या बोलते हैं। मान लो एक एल्गोरिदम लिखी आपने, उसमें अगर कोई मिस्टेक होगी तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम लॉजिकल एरर बोलेंगे, उसको हम सिंटैक्स एरर बोलेंगे, उसको हम प्रोसीजरल एरर बोलेंगे, कंपाइलर एरर बोलेंगे या फिर मशीन एरर बोलेंगे। याद रख लेना, एल्गोरिदम का सीधा लिंक होता है सिंटैक्स से, एल्गोरिदम को हम सिंटैक्स भी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, एल्गोरिदम को हम सिंटैक्स भी बोलते हैं। तो आप याद रख लेना, जब भी एल्गोरिदम का क्वेश्चन आ गया और वहाँ पे पूछा गया कि एल्गोरिदम को और क्या बोला जाता है, या फिर एल्गोरिदम के वे में एल्गोरिदम को हम और क्या कह सकते हैं, तो उसको हम सिंटैक्स भी कह सकते हैं। अब यहाँ पे एरर की बात हुई तो हमने सीधा देख लिया कि एल्गोरिदम का लिंक किससे जा रहा है, सिंटैक्स से जा रहा है। तो यहाँ पे कौन सा एरर हो सकता है, सिंटैक्स एरर ही हो सकता है ना एल्गोरिदम के केस में। तो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, द प्रोसेस दैट डील्स विद द टेक्निकल एंड मैनेजमेंट इश्यूज ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इज, कि उस प्रोसेस का नाम बताओ जो कि डील करती है टेक्निकल और मैनेजमेंट इश्यूज का, किसमें, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में। अब आपको मैं एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा एग्जांपल देता हूँ, आपकी जो विंडोज़ हैं, मान लो आपकी विंडो में कोई एरर आ गया, फॉर एग्जांपल वो एरर वायरस का है, या वायरस आ गया आपकी विंडोज़ में, तो जो आपकी विंडोज़ में इनबिल्ट विंडो डिफेंडर होता है वो क्या करता है, उस वायरस को स्कैन करता है, वो कौन सा एरर है, मतलब वो कौन सा इशू है, वो टेक्निकल इशू है ना। और जो आपका विंडोज़ का टास्क मैनेजर है वो क्या कर रहा है, विंडोज़ में जो भी टास्क चल रहे हैं, जो भी प्रोग्राम चल रहे हैं, उनको क्या कर रहा है, मैनेज कर रहा है, ठीक है। तो जो टेक्निकल और मैनेजमेंट इश्यूज़ को जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में प्रोसेस होल्ड करती है उसको हम क्या बोलते हैं, मतलब वो कौन सी प्रोसेस होती है, वो होती है आपकी सॉफ्टवेयर प्रोसेस। याद रख लेना,
टेक्निकल और मैनेजमेंट इश्यूज को सॉफ्टवेयर, जब बात सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की हो रही है तो क्या आएगा आपका सॉफ्टवेयर प्रोसेस आएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउसिंग ऑल हार्डवेयर सॉफ्टवेयर स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग इन वन साइट लोकेशन इज कॉल्ड, हाउसिंग का मतलब स्टोर करना, कंप्यूटर लैंग्वेज में स्टोर को हम हाउसिंग भी बोलते हैं। हाउसिंग ऑल हार्डवेयर सॉफ्टवेयर स्टोरेज मतलब इन सब चीज़ों को एक जगह पे स्टोर कर लेना, एक मशीन में स्टोर कर लेना, उसको हम क्या बोलते हैं, टाइम शेयरिंग बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम बोलते हैं, सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग बोलते हैं, या फिर अ होस्ट कंप्यूटर बोलते हैं। अब मैंने आपको बताया था कि एक सर्वर होता है जिसके पास सभी कंप्यूटर्स का डेटा एक्सेस होता है, तो बोल रहा है कि हाउसिंग मतलब स्टोर करना हर सॉफ्टवेयर को, हर हार्डवेयर को, हर स्टोरेज को और हर प्रोसेस को एक साइट पर, आ गई ना बात एक साइट की, मतलब कि उसको हम क्या बोलेंगे, होस्ट कंप्यूटर। होस्ट मतलब एक सर्वर कंप्यूटर, एक मेन कंप्यूटर, ठीक है। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा होस्ट कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, करेक्टिंग एरर्स इन अ प्रोग्राम इज रेफर्ड टू एज, मतलब कि एक प्रोग्राम में एरर को करेक्ट करने की जो प्रोसेस होती है उसको हम क्या बोलते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि अगर किसी प्रोग्राम में एरर आ जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, बग। किसी सॉफ्टवेयर में एरर आ गई उसको हम क्या बोलेंगे, बग। अब उस एरर को करेक्ट करने का जो प्रोसेस है उसको हम बोलेंगे डीबगिंग। बग से बना है डीबग, मतलब उस एरर को हटा देना। तो जो आपका आंसर होगा वो होगा डीबग। मॉडिफाई मतलब चेंज करना होता है, रेक्टिफाइंग का भी यहाँ पे मतलब कोई मतलब नहीं बनता है। बगिंग तो आ गया एरर, और डीबगिंग मतलब एरर को रिमूव करना, करेक्ट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोल रहा है, एग्जीक्यूटिंग मोर देन वन प्रोग्राम कॉन्करेंटली बाय वन यूजर ऑन वन कंप्यूटर, मतलब कि एक या एक से ज़्यादा प्रोग्राम को एक ही कंप्यूटर में एक यूज़र के द्वारा एग्जीक्यूट करना, इस्टेब्लिश करना क्या कहलाता है। मोर देन वन प्रोग्राम मतलब एक प्रोग्राम से ज़्यादा प्रोग्राम्स को एक ही कंप्यूटर में एक यूज़र के द्वारा चलाना क्या कहलाता है, मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टी प्रोसेसिंग, टाइम शेयरिंग, मल्टी टास्किंग, या फिर मल्टी एक्शन। तो मैं आपको बता दूं कि आपने कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है, अगर आपको क्वेश्चन आ रहा है ना कि एक प्रोग्राम को एक कंप्यूटर में एक यूज़र चला रहा है, क्या बोला मैंने, एक प्रोग्राम को एक कंप्यूटर में एक यूज़र चला रहा है, या फिर एक से ज़्यादा प्रोग्राम को एक कंप्यूटर में एक यूज़र चला रहा है, तो उसको हम बोलते हैं मल्टी टास्किंग, मतलब कि हर टास्क जो वो एक ही कंप्यूटर परफॉर्म कर रहा है। मल्टी प्रोग्रामिंग का मतलब होता है हर प्रोग्राम को अलग अलग कंप्यूटर में हम चला रहे हैं, एक प्रोग्राम को अलग अलग कंप्यूटर में चला रहे हैं हम, उसको हम बोलते हैं मल्टी प्रोग्रामिंग। तो यहाँ पे पूछा मोर देन वन प्रोग्राम बाय वन यूजर एट वन सिस्टम एट वन कंप्यूटर, तो उसको उसका जो आंसर होगा वो होगा मल्टी टास्किंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर कुड असिस्ट समवन टू हु कैन नॉट यूज देयर हैंड्स फॉर कंप्यूटर इनपुट, बोलता है कि बिना अपने हाथ यूज किए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को असिस्ट करना क्या कहलाता है। अब आई थिंक ये सबको पता होगा, आजकल हर किसी के फ़ोन में, हर किसी के कंप्यूटर में ये एक फीचर देखने को मिलता है जिसको हम बोलते हैं स्पीच रिकॉग्नाइजेशन, या फिर हे गूगल, हे सिरी, जो iOS वाले हैं वो एप्पल की सिरी होती है उनके पास, उनके फ़ोन में, उनके मैक में सिरी होगी, और हम जो विंडोज़ वाले हैं, जो गूगल वाले हैं, एंड्रॉयड वाले हैं, उनके पास क्या होता है, गूगल असिस्टेंट होता है, ठीक है। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा स्पीच रिकॉग्नाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, इंफॉर्मेशन दैट कम्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल सोर्स एंड इज फेड इनटू कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड, बोलता कि इंफॉर्मेशन दैट कम्स फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स, कोई भी इंफॉर्मेशन किसी एक्सटर्नल सोर्स से आ रही है और वो कंप्यूटर में डाली जा रही है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में डाली जा रही है। मान लो आपने एमएस वर्ड खोला है, वो एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, हम उस सॉफ्टवेयर में इंफॉर्मेशन डाल रहे हैं, वो किसी एक्सटर्नल सोर्स से आ रही है, तो जो एक्सटर्नल सोर्स है वो क्या होगा, आपका माउस हो सकता है, कीबोर्ड हो सकता है, आपका स्पीच रिकॉग्नाइजेशन वाला फीचर हो सकता है, तो वो हम क्या कर रहे हैं,
कीबोर्ड से क्या कर रहे हैं, इनपुट कर रहे हैं ना, तो इन्फॉर्मेशन को हम क्या कर सकते हैं, इनपुट करते हैं, डेटा को आउटपुट करते हैं, इन्फॉर्मेशन को इनपुट करते हैं, ठीक है, डेटा आउटपुट देता है हमें। वैसे हम डेटा को भी पहले इनपुट करेंगे, मतलब उसको इंसर्ट करेंगे, लेकिन हमें डेटा क्या देगा, आउटपुट देगा। इन्फॉर्मेशन को भी पहले हम इंसर्ट करेंगे, इनपुट देंगे, तब भी वो हमें आउटपुट देगा। तो जो इसका आंसर होगा, इन्फॉर्मेशन जो एक्सटर्नल सोर्स से आ रही है, कीबोर्ड, माउस एट्सेट्रा, किसी भी चीज़ से आ रही है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में डाली जा रही है, तो उस इन्फॉर्मेशन को हम क्या करेंगे, पहले उसको इनपुट करेंगे, पहले उसको इंसर्ट करेंगे। तो जो आपका आंसर होगा वो ए होगा, इन्फॉर्मेशन को इनपुट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द डैश मैनुअल्स दैट टेल्स यू हाउ टू यूज़ अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम इज नोन एज डैश, मतलब क्या बोलते हैं उसको हम, मतलब डॉक्यूमेंटेशन मैनुअल्स, आपका प्रोग्रामिंग मैनुअल्स, आपका टेक्निकल मैनुअल्स, आपका यूज़र मैनुअल्स, या फिर इनमें से कुछ भी नहीं। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आप कभी भी कोई भी नई चीज़ बाय करते हो, कुछ भी चीज़ खरीदते हो आप, मान लो आपने फ़ोन ख़रीदा, जो आपका फ़ोन का डब्बा होता है उसमें आपको क्या मिलता है, यूज़र मैनुअल मिलता है ना, एक यूज़र गाइड मिलती है, या फिर कुछ भी आप ले लो, कोई भी नई चीज़ खरीदते हो उसके डब्बे में आपको एक यूज़र मैनुअल मिलेगा, जो कि आपको क्या करता है कि जो आपने चीज़ खरीदी है उसको कैसे यूज़ करना है फर्स्ट टाइम, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम यूज़र मैनुअल बोलते हैं ना, यूज़र गाइड बोलते हैं। टेक्निकल मैनुअल तो बोलेंगे नहीं ना आपको, उसको डॉक्यूमेंटेशन बोलेंगे ना आप, उसको प्रोग्रामिंग बोलेंगे आप, उसको क्या बोलेंगे, यूज़र मैनुअल, ठीक है। तो जो उसका सही आंसर होगा वो होगा यूज़र मैनुअल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए है, द सॉफ्टवेयर टूल्स दैट इनेबल्स अ यूज़र टू इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर फॉर स्पेसिफिक पर्पज इज नोन एज, बोलता कि ऐसे सॉफ्टवेयर टूल जो जो यूज़र को क्या करते हैं, एबल बनाते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर को यूज़ करने के लिए किसी स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए, मतलब मान लो आपने कोई सॉफ्टवेयर यूज़ करना है किसी भी स्पेशल पर्पज़ के लिए, तो जो सॉफ्टवेयर टूल्स होते हैं जो यूज़र को एबल बनाते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, हार्डवेयर कहलाते हैं, नेटवर्क सॉफ्टवेयर कहलाते हैं, शेयरवेयर कहलाते हैं, या फिर एप्लीकेशंस कहलाते हैं, या इनमें से कुछ भी नहीं कहलाते हैं। आप कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का ज़रूर आंसर देना। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही था। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर देना और लाइक कर देना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो फिर से मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।